हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिकल गुरु। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसमें क्लास 9 और 10th की कंप्लीट साइंस, 11th 12th केमिस्ट्री एंड हायर लेवल केमिस्ट्री यहाँ पर टीच की जाती है। तो इसमें क्लास 9th का चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन चल रहा था, जिसमें मोशन में हमने इससे पहले पार्ट 5 अपलोड कर दिए हैं मोशन चैप्टर के। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उनको पहले देख लीजिए। दिस इज द पार्ट नंबर 6। यहाँ पार्ट नंबर 6 में हमने एक प्रॉब्लम ली है जो कि आपकी 8.4 प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन। क्वेश्चन को देखो, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वो समझना, सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता, बट है क्या कि सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को जितने अच्छे से समझ जाएंगे, मीन्स आपका टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को कम से कम दो बार पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें, 100% 50% क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे एक बार समझ के। देखो, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज वाई स्केल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में आपको एक्सीलरेशन निकालना है। पहले देखो केस क्रिएट कैसे होते हैं, ये हमने देखा। सपोज दैट इनिशियल पोजिशन है, और इनिशियल पोजिशन पर जहां पर उसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्टिंग पोजिशन, ध्यान रखना, जब कभी स्टार्टिंग यानी स्टेशनरी पोजिशन आ जाए तो स्टेशनरी पोजिशन भी वहां पर रुका हुआ है, बाइसिकल अभी चला नहीं रहा है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो, यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। अब देखो, जब बाइसिकल चलानी स्टार्ट की, हमने मान लिया कि वो यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंचा तो कुछ ना कुछ बाइसिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, वो कितनी हो गई, बोले उसकी 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। यहां पर v इक्वल टू हो गया 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने अटेंड कर ली, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, t इक्वल टू 30 सेकंड का उसे यहां तक टाइम लग गया 30 सेकंड। अब देखो कि इसके बाद उसने क्या किया, जब यहां पहुंच गया तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड की होगी, अब उसने ब्रेक अप्लाई स्टार्ट करी, ब्रेक लगाने स्टार्ट किए, ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पर इसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, अभी 6 मीटर हो चुकी है, अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई की वेलोसिटी डाउन होगी कि नहीं होगी, तो कितनी डाउन हो गई, तो यहां दे रखा है कि जैसे उसने ब्रेक लगाए तो यहां आते आते उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, कब, जब उसने ब्रेक अप्लाई किए तब। अब देखो, यहां से यहां तक जाने में, यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, देखो दे रखा है 5 सेकंड का टाइम लगा, तो आप नोट कर लीजिए ये 5 सेकंड का यहां तक टाइम लगा है। अब आपको दो केस बन गए। केस फर्स्ट बना कि जब वो यहां से लेकर के स्टेशनरी पोजीशन से इस जगह पर आया तब उसकी हमें एक्सीलरेशन निकालना है। दूसरा, जब यहां से ब्रेक अप्लाई कर स्टार्ट किए, ब्रेक अप्लाई किए तो यहां तक पहुंच गया, ये वेलोसिटी अटेंड कर ली, तो एक्सीलरेशन कितना है। इन दो केसेस में अलग अलग आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। देखो, एक्सीलरेशन निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, बस ये देखना होता है कि कौन सी इक्वेशन हमें किस जगह अप्लाई करनी होती है। बस इतना आप सीखेंगे कौन सी इक्वेशन यानी कौन सा फार्मूला कहां पर अप्लाई करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। देख लेते हैं, 3 इक्वेशंस होती हैं, हमने सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, एक होती है आपकी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, एक होता है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। देखना ये है कि आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, एक्सीलरेशन निकालने के लिए देखना है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन। देखो, एक्सीलरेशन तीनों में आ रहा है, एक्सीलरेशन ए, ए और ए, तीनों में एक्सीलरेशन आ रहा है। लेकिन अब एक बात देखो, इसमें डिस्टेंस आ रही है,
यहाँ पर भी डिस्टेंस आ रही, बट क्वेश्चन के अंदर कहीं भी डिस्टेंस को मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब है कि ये दोनों फार्मूले हम अप्लाई नहीं करेंगे, फार्मूला नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे हम केस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने माना केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट माना, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू बोलो कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा t इक्वल टू 30 सेकंड का टाइम लगा। ठीक, अब आपको हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की आपने फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी, तो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस at, या फिर ऐसे लिख दो v माइनस u, ये u को आप इधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू at, या फिर इसको ऐसे भी लिखना चाहते हैं a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, वैसे तो हमने यहां से निकाल दिया, आप डायरेक्ट भी a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t लगा देंगे तो भी एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब देखो मैं यहां से आगे सॉल्व करता हूं, हमने इसमें फार्मूला पुट किया तो एक्सीलरेशन आएगा हमारा a इक्वल टू, तो देखो v की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, हमने लिख दिया 6 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है 30 है, तो जब a इक्वल टू क्या हो गया 6 अपॉन 30, तो a इक्वल टू आ जाएगा, बोलो 6 5 जा 30, तो 1 अपॉन 5 आ जाएगा, a इक्वल टू जब डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाँ ये भी ध्यान रखना कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो आपकी होती है क्या, बोलो SI यूनिट होती है, एक मिनट में चेक कर लूँ ये वीडियो बन रहा है कंटिन्यू, हाँ बन रहा है, क्योंकि कभी कभी बीच में गड़बड़ हो जाता है। तो हाँ इसमें जो है a इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखना क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो SI यूनिट होती है किसकी, एक्सीलरेशन की। तो ध्यान रखना जब न्यूमेरिकल कभी एग्जाम में सॉल्व करो तो उसकी यूनिट जरूर लिखना, क्योंकि अगर आपने यूनिट नहीं लिखी ना तो यूनिट का ही हाफ मार्क्स का डिडक्शन हो जाता है, हाफ मार्क कट जाता है। ठीक, तो ये आंसर हो गया। अब मैं केस सेकंड की बात करता हूँ, ध्यान से देखना केस सेकंड, अब केस सेकंड की कंडीशन क्या क्या है वो देखो, केस सेकंड हमने कहा था ये यहां से लेकर के यहां तक का फर्स्ट केस और यहां से लेकर के यहां तक का ये सेकंड केस, तो सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी, सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हो गई आपकी 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, और बोलो टाइम कितना हो जाएगा t दे रखा 5 सेकंड, t इक्वल टू हो गया 5 सेकंड, राइट। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है, कुछ भी नहीं सीधा फार्मूला लगाइए डायरेक्टली a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, जो अभी अभी हमने फार्मूला यहां से फाइंड आउट किया, कौन सा वाला, ये a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, दोनों में वही फार्मूला लगाना है, तो यहां से लिखेंगे a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, बोलो v की वैल्यू आपके पास ये है 4 है ना, 4 माइनस 6 अपॉन टाइम दे रखा है 5, तो a इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5, तो a इक्वल टू जब करेंगे तो बोलो 5 4 जा 20 एक पॉइंट लगाएंगे तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एक्सीलरेशन, क्लियर है। तो आई होप दैट कि आपको न्यूमेरिकल कंप्लीटली समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देखो, बहुत ही हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ना हो तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अभी हमने ये पार्ट नंबर 6 किया है, इसके बाद फिर मैं पार्ट 7 पार्ट 8 और जो भी जितना भी इसका होगा कंप्लीट चैप्टर में इसको फिनिश कर दूंगा, और अभी ये पार्ट अगला फिर मैं कल अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, और बने रहिए अपने चैनल के साथ केमिकल गुरु के साथ, थैंक यू। और हाँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी चैनल को कर सकते हैं अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 9 से लेकर के 12th तक के, क्योंकि सारे वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।